अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, थक गई हूँ मैं चल चल के। अभी मैं एयरपोर्ट पे आई हूँ भाई को रिसीव करने के लिए। आज हम गाड़ी पे नहीं आ सकते थे तो ऑटो पे आना पड़ा, और जिसके लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। तो भाई को रिसीव करते हैं और फिर वापस घर चलते हैं, और आपको दिखा देते हैं एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। आज भाई आ रहे हैं, और अल्लाह ताला खैरियत से जितने भी मुसाफिर बाहर के मुल्कों से आ रहे हैं अपने वतन वापस, सबको खैर वाफियत से रखें और अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। हम सबको भी और सुनाइए जी, बकरा ईद की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, कुर्बानी ले चुके हैं या फिर लेनी है। और चले मैं भाई को रिसीव करूं, फिर आपसे मिलती हूं। एयरपोर्ट के हालात चेक कीजिए, कितना रश और गर्मी से तो हालत ख़राब हुई पड़ी है। भाई का नंबर अभी तक ऑफ जा रहा है, पता नहीं किस टाइम ऑन होगा, और मेरी हालत टू मच ख़राब हो चुकी है मेरा। चले मैं भाई को रिसीव करके ही आपसे मिलती हूं। जी तो फाइनली इतने इंतज़ार के बाद, तकरीबन 2.5 घंटे के इंतज़ार के बाद भाई जो हैं वो आ चुके हैं। भाई अभी जो है रेस्ट रूम में गए हैं, और फिर हम घर चलेंगे, और घर चल के जो है ना बात करते हैं। मेरी हालत टू मच टायर्ड हो चुकी है, खड़े हूँ वो के गर्मी की वजह से, बहुत शदीद गर्मी है। चलें घर चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये भाई का सामान है, अभी हम इसको लोड करेंगे अपने ऑटो पे और इसके बाद घर पहुंचेंगे। भाई आ जाए फिर उसके बाद। और वो आ रहा है भाई, हालत ख़राब गर्मी से। चलें घर चलते हैं और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। मुझ आ जाएगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो देखो वहाँ पे सामान लेके आ रहे हैं। जी तो मुझे बताइए कि मैं ये ग्लासेस पहन के कैसे दिख रही हूँ। भाई का कहना है कि तुम्हारी शक्ल से महंगी मेरी ग्लासेस हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्लासेस भी की हैं, वो भी सन ग्लासेस। वैसे अच्छा फील हो रहा है, होने चाहिए। हम भी इसको ख़रीदने के बारे में सोचते हैं कुछ, गर्मी टू मच हो चुकी है। देखें जी एयरपोर्ट को, वेदर बहुत गर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। आज हमारा कुर्बानी का जानवर आ चुका है, अभी इसको अनलोड नहीं किया है। अभी इसका जो दूसरा सामान है गाय का वो आएगा, खुरली और किल्ला पता नहीं क्या उसको बोलते हैं वो, फिर उसके बाद जो है गाय के नीचे उतारा जाएगा। तो अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए और सबको अपने ज़मान में रखे। बस अल्लाह ताला जो है ना सब तो अपना कर्म करे। बहुत खुशी हो रही है, आज हमने पहली बार कुर्बानी का बड़ा जानवर दिया है, तो दिल से बहुत खुशी हो रही है। आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन, खैर खैरियत से सारा टाइम गुजरे, आमीन। तो जी अनलोड करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। जी तो हमारा जानवर जो है वो अनलोड हो चुका है, और हम तो ऊपर टेरेस पे खड़े होके देख रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। देखें आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं आपको दिखा सकूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। बहुत दिल से खुशी हो रही है, वेरी हैप्पी।
कासिम बॉल साइड पे कर दो।